नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने टॉपिक देखा ही होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम में ग्रोइंग रूम में फ्लाइज थे और हमें बहुत पहले इसका इंडिकेशन मिल गया था, बट थोड़ा सा हमने लालच कही है या तो लालच मान चलिए, तो लापरवाही या तो देरी, इन तीनों की वजह से दोस्तों हमारा जो फार्म में जो फ्लश था उसका हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके रूम में फ्लाइज हैं तो उसका आप तुरंत ट्रीटमेंट करें, लेट ना करें। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि ये मशरूम है दोस्तों जो पूरी बर्बाद हो गई है। ये पूरी जो फ्लश आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी फ्लाइज की वजह से है दोस्तों। ये फ्लाइज ने पूरी क्रॉप को बर्बाद किया है। सारी जो जो आपकी देखिए मशरूम है, पूरी फ्लाइज ने ख़राब कर दी दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमारे फार्म पे फ्लाइज आ गई थी, जिसका मैंने आपको इंडिकेशन बताया था कि ये इंडिकेशन है कि हमारे क्रॉप में फार्म में फ्लाइज आ गई है। तो दोस्तों मेरे से गलती क्या हुई है कि मेरे को उसी वक्त हनुमान का स्प्रे कर देना चाहिए था, बट हमने ये सोचा कि थोड़ा सा हम फ्लश ले लें अपनी, क्योंकि उस वक्त हमारी फ्लश चल रही थी, और अगर हम हनुमान का स्प्रे कर देते दोस्तों तो फिर हम आगे फ्लश 48 घंटे तक तोड़ नहीं पाते। तो उसी का दोस्तों ये देख सकते हैं आप क्या हुआ है। अगर हम उस वक्त हनुमान स्प्रे कर देते थे तो जो हमारी जो फ्लश चली थी वो ख़राब नहीं होती दोस्तों। और ये देख रहे हैं आप कितना हमारा जो माल है जो पूरा ख़राब हो गया है। वो कुछ इस प्रकार है, हमने जो हनुमान का स्प्रे किया था वो फ्लश ख़त्म होने के बाद हमने ट्रीटमेंट किया, फिर वर्डिस 2 का स्प्रे किया, उसके बाद फिर हमने हनुमान स्प्रे किया दोस्तों। तब तक इसकी जब तक ये जो फ्लाइज हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे दोस्तों। जैसे कि अपने मैंने दोस्तों बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो ये जो फ्लाइज होती हैं ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ करते हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे अंडे अपनी केसिंग सॉइल पे डाल देते हैं और ये बहुत तेज़ बढ़ते हैं। तो जितना तेज़ आपके ये मशरूम्स बढ़ेंगे दोस्तों उतना ही तेज़ ये देखिए, देखिए मशरूम में कोई दिक्कत नहीं है और ये देखिए पूरा ख़राब कर दिया है खाद में। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बहुत ही पूरे फ्लश को इसने ख़राब कर दिया दोस्तों। दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो दोस्तों आज ये मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि मेरा तो लॉस हो गया। मेरा लॉस इस वजह से हो गया कि मैंने देरी कर दी इस चीज़ को करने के लिए, नुआन का स्प्रे करने में दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने फार्म पे फ्लाइज को देख रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें बिल्कुल भी। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आपकी जो क्रॉप है वो भी सही है बट फ्लाइज हैं और बट वो उसको वो खा नहीं रहे, तो उसमें बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं खाएंगे। हाँ जी, वो आगे ज़रूर खाएंगे। जैसे ये देखिए आप मेरा क्रॉप पूरा फ्लश देख रहे हैं आप, इसे पूरा उसने बर्बाद कर दिया। ये अप्रोक्स ये जो माल होगा कम से कम होगा 18 से 20 किलो करीब। ये पूरा जो माल आप देख रहे हैं 18 से 20 किलो करीब ये मेरा माल है जो पूरा ख़राब हो रखा है। तो दोस्तों ये ऐसा ना हो आपके फार्म पे, ये इसलिए आज ये वीडियो बनाई गई है। तो फ्लाइज को बिल्कुल हल्की में ना लें और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें, इसलिए मैं दोस्तों ये आपको ये अलर्ट किया है। जो ये मेरा ये नुकसान हुआ है ये आपका ना हो आपके फार्म पे। तो थोड़ी सी लालच और थोड़ी सी देरी और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये काम हो सकता है। तो ये तीनों ही दोस्तों आप अपने फार्म पे ना करें। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी सारा आप ये देख रहे हैं कि सारा ही ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है इस पे फ्लाइज के ऊपर। जैसे कि आपको आपने मेरी वीडियो देखी थी, मैंने नुआन का स्प्रे कर दिया था। अब ऑलमोस्ट 48 घंटे 2 दिन 3 दिन हो रहे हैं, अब 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट नुआन का स्प्रे करे हुए। तो उसका अब रिज़ल्ट जैसे मैंने दोस्तों बताया था, कोई भी चीज़ करते हैं तो हम इतनी जल्दी उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, थोड़ा धीरे से ही आता है। और दोस्तों जब फ्लाइज आपके छोटे पिंस के अंदर मतलब उसको डंक मार देती है, ख़राब कर देती है, तो वो बड़े होकर भी वो मशरूम ऐसी होती है। तो
जो छोटी पिन स्टेज पे ही वो फ्लाइज ने अटैक किया हुआ है आपके अगर मशरूम के ऊपर, तो वो बड़े होगी भी तो वैसी हो जाएगी, वो ब्राउनी होगी, तो कुछ मतलब ख़राब ही होगा, वो सही नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर करने में, तो वो होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे लिए आपके लिए रिकमेंड यही है कि आप जब भी फ्लाइज देखें अपने फार्म पे तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट करें नुआन का। तो दोस्तों इसी बारे में बताया था कि ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे फार्म में मशरूम ख़राब हुई है, हमने काफ़ी हद तक नुआन से जो स्प्रे किया था उसे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया है, और काफ़ी हद तक अपने जो क्रॉप है उसे हम अपने मशरूम को अपने बचाया है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सारा अभी हमारा पैकिंग चल रहा है, ये जो मशरूम है ये बिल्कुल सही है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये मशरूम टूट के आए हैं। ये हमारा पैकिंग का प्रोसेस अभी दोस्तों चल रहा है, और अभी इसका हमारा काम चल रहा है, आगे हमारी पैकिंग हो रहा है। दोस्तों मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर ऐसा आपके फार्म में फ्लाइज है उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें और इस नुकसान से दोस्तों बचें। दोस्तों ये अभी जो आप देख रहे हैं ये हो सकता है हमारा बहुत कम में तब भी नुकसान हुआ है, मैंने बहुत से फार्मर्स का देखा है जिसका पूरा पूरा फार्म बर्बाद हो जाता है। दोस्तों इसको हल्के में ना लें, तुरंत इसका ट्रीटमेंट करें और क्या कहते हैं नुकसान से, भारी नुकसान से बचें। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।